वेलकम बैक दोस्तों, आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई ब्लैक मूवी को लेकर आया हूँ, जो एक साईफाई टाइप मूवी है। आप मूवी के बारे में बात करें तो मूवी एक बार नॉर्मली देख सकते हैं। आप मूवी के बारे में बात करें तो कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, वही पुराने सेम थिंग, लेकिन प्रेजेंटेशन थोड़ा हटकर है। ऑडियंस को एंगेज करने में कामयाब रही ये मूवी। कुछ समय आने के बाद ऑडियंस कंफ्यूज होकर रह जाते हैं कि आखिरकार मूवी में हो क्या रहा है। सो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए। चलिए अब फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत होती है इन द ईयर ऑफ 1964, जहां पर बंदा और बंदी को दिखाया जाता है, गणेश और ललिता। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते रहते हैं, लेकिन घर वालों को इनका प्यार पसंद नहीं होता, जिसकी वजह से गणेश और ललिता अपने घर से भागने लगते हैं और इन दोनों का साथ देने लगता है गणेश का बेस्ट फ्रेंड मनु। यहाँ पर एक और सीक्रेट बात यह है कि मनु भी ललिता को प्यार करते रहता है, वन साइड लव। गणेश और ललिता को देखकर इसको ईर्ष्या होने लगती है, अगर ललिता मेरी नहीं बन पाएगी तो मैं किसी के नहीं होने दूंगा। मनु अपनी गाड़ी में गणेश और ललिता को लेकर अपने घर पर जाने लगता है, समथिंग लाइक दैट फार्म हाउस। बंगलों के पास आने के बाद इन दोनों को एक कमरे में भेज कर मनु यही सोचने लगता है कि किस तरह से इन दोनों को मार दूं, या तो फिर सिर्फ गणेश को मारूं। गन लेकर जब उनके कमरे में जाता है तो गणेश और ललिता ऑलरेडी मरे पड़े होते हैं। किसने इन दोनों को मार दिया? मनु फटाफट से गणेश के पास आकर पूछने लगता है कि अरे यार क्या हुआ। गणेश मरने से पहले कहने लगता है, अरे मनु तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है 2024, जहां पर एक पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है, जिसमें वसंत नाम का एक बंदा पुलिस स्टेशन में मौजूद होता है। इंस्पेक्टर वसंत से पूछने लगता है कि किसी लड़की से हम लोगों को इमरजेंसी कॉल आया, जब हम लोग वहां पर गए तो लड़की मौजूद नहीं थी, तुम वहां पर थे। अब तुम्हारा ये कहना है कि वो लड़की तुम्हारी बीवी है। तुम्हारी बीवी कहां पर है ये तुम्हें खुद नहीं पता। हम ही से कह रहे हो कि तुम अपनी बीवी को ढूंढ लोगे। तुम्हारी शादी को 7 साल बीत गए और इस टाइम पीरियड में वाइफ मिसिंग हो गई, तो पहला शक हस्बैंड पर ही जाता है, तुम ही इस केस के प्राइम सस्पेक्ट हो। उसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है 2 दिन पहले। एक्चुअली वसंत और इसकी बीवी अरण्या किसी पार्टी पर गए थे अपने अपने दोस्तों के साथ मिलकर। उस पार्टी में जबरदस्त तरीके से चिलविल करने लगे। अब इसी पार्टी के दरमियान में अरण्या की बेस्ट फ्रेंड प्रभा वसंत पर लट्टू होती है, वसंत को हासिल करने की कोशिश में लगी रहती है। थोड़ी देर के बाद एक बंदा अरण्या उसके दोस्तों से मिसबिहेव करने पर वसंत को गुस्सा आकर उस बंदे को बहुत मारने पीटने लगता है। अरण्या और वसंत के दोस्त बहुत ही मुश्किल से वसंत को उस पार्टी से बाहर लाते हैं। अरण्या वसंत पर गुस्सा करने लगती है कि आखिरकार उस बंदे ने क्या करने पर तुमने उसको मारा पीटा, पार्टी अच्छी खासी चल रही थी, सारा मूड खराब कर दिया तुमने। वसंत भी कहने लगता है, अरे इसमें मेरी क्या गलती, छेड़खानी तो उसने की। अरण्या कहने लगती है, वैसे भी तुम्हें इतनी दारू पीनी नहीं चाहिए। इस तरह से जब ये दोनों गाड़ी में जा रहे होते हैं, तो तभी वो बंदा बाइक में आकर इनकी गाड़ी के मिरर को तोड़ देता है। जस्ट मिस इन दोनों का एक्सीडेंट होने वाला होता है। जब तक वसंत कुछ कर पाता वो बंदा वहां से भाग जाता है। खैर दूसरे दिन वसंत अरण्या से कहने लगता है कि मुझे 10 दिन लीव मिली है, क्या मैं अपने दोस्तों के साथ वेकेशन पर जाऊं? अरण्या कहने लगती है कि कल जो तुमने पार्टी में कांड किया उसकी वजह से मैं तुम्हें हरगिज अकेले वोकेशन वगैरह पर नहीं भेजूंगी। तुम्हें लीव मिली है, मुझे नहीं। लेकिन हाँ वसंत, हम दोनों एक काम करते हैं। रिसेंटली हम दोनों ने बीच के पास एक घर खरीदा ना, सिर्फ हम दोनों वहाँ पर जाकर टाइम स्पेंड करेंगे। जो काम तुम वेकेशन पे करते हो वही काम घर पर बैठकर कर लेना। तो वसंत को भी ये आइडिया बहुत पसंद आता है। दूसरे दिन ही वसंत और अरण्या अपनी गाड़ी में अपने दूसरे वाले घर पर जाने लगते है। रास्ते में वसंत को एक स्टैचू नजर आती है। इस स्टैचू को देखने के बाद वसंत को ऐसा लगता है कि ऐसा ही स्टैचू इसने पहले भी कहीं पर देखा है। खैर उसके बाद ये दोनों अपने उस कम्युनिटी प्लेस पर आ जाते हैं। इनका घर बहुत ही अंदर होता है और एक और शॉकिंग बात यह है कि यहाँ के सारे घर एक ही स्टाइल के होते हैं। कंफ्यूज होकर रह जाते हैं कि इसमें से हमारा घर कौन सा है। वसंत अरण्या से कहने लगता है, क्या पहले भी हम दोनों यहाँ पर आए थे? अरण्या कहने लगती है, नहीं वसंत, बस तुम्हें ऐसा लगता होगा। इनके घर के पास 2 ब्रोकर्स होते हैं इन दोनों का वेलकम करने के लिए। कहने लगते हैं कि मैडम, इस एरिया में आप ही पहले एक कपल हो जो यहाँ पर स्टे करने के लिए आए हो। यहाँ पर सब कुछ फैसिलिटीज है, अगर यहाँ का पावर चला गया तो आप सिक्योरिटी को बोलकर जनरेटर ऑन करवा लीजिए। वो दोनों जाने के बाद वसंत और अरण्या चिल करने लगते हैं। ये घर इन दोनों को बहुत पसंद आने लगता है। थोड़ी देर के बाद ये दोनों मार्केट पर जाने लगते है। अब 10 दिन तो यहीं पर रहना पड़ेगा, ग्रोसरीज की कुछ शॉपिंग वगैरह कर लेंगे। सुपरमार्केट में शॉपिंग करते समय वसंत को वो बंदा नजर आता है जिस बंदे से पार्टी में लड़ाई हुई थी। वसंत को सॉरी बोलने लगता है, लेकिन वसंत
सुपरमार्केट से बाहर आकर एक बैट लेकर उस बंदे की बाइक को फोड़कर उल्टा इसको सॉरी बोलने लगता है। कहने लगता है कि अब मामला इक्वल हो चुका है ब्रो। झगड़ा ना बढ़े अरण्या वसंत को वहाँ से ले जाती है। खैर उसके बाद ये दोनों वापस अपने घर पर आने लगते हैं, लेकिन गेट के पास सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं होता। बहुत बार हॉर्न बजाने लगते हैं, लेकिन नो रिस्पॉन्स। ये खुद गेट ओपन करके अंदर आकर जब अपना घर के अंदर आते हैं तो घर के अंदर इन दोनों के लिए एक गिफ्ट पड़ा होता है। इस गिफ्ट को ओपन करने पर इसके अंदर एक पेंटिंग होती है। टू एड्रेस तो होता है, लेकिन फ्रॉम एड्रेस नहीं होता। ये दोनों यही सोचने लगते हैं कि इन दोनों के फ्रेंड्स में से कोई एक ने भेजा होगा। वसंत अपने दोस्तों को कॉल करके पूछने लगता है, लेकिन वसंत के दोस्तों ने ऐसा कुछ नहीं किया। बाद में वसंत और अरण्या थोड़ा बहुत रोमांस करने लगते हैं। उसी वक्त इनके घर का दरवाजा कोई खटखटाने लगता है। दरवाजा ओपन करने पर और कोई नहीं, वसंत का फ्रेंड सुरेश होता है। कहने लगता है कि अरे यार, इतनी रात को फोन करने की क्या जरूरत थी, अगर कुछ बताना था तो सुबह बता देते। वसंत कहने लगता है कि अरे यार, मैंने कब तुम्हें यहाँ पर बुलाया। इस तरह से अपनी कॉल हिस्ट्री बताने पर सुरेश को कॉल गया होता है। ये दोनों यही सोचने लगते हैं कि शायद गलती से लग गया होगा। सुरेश थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करके वहाँ से चला जाता है, और थोड़ी देर के बाद वसंत को उसका मैनेजर कॉल करने पर वसंत बालकनी में जाता है अपने मैनेजर से बात करने के लिए, क्योंकि घर के अंदर नेटवर्क मौजूद नहीं होता। तभी वसंत को ऐसा लगता है कि उस पेड़ के पास कोई है, लेकिन झांकने पर कोई भी मौजूद नहीं होता, मतलब वहाँ पर एक पेड़ हिलने लगता है। वसंत जब कमरे के अंदर आता है तो घर की लाइट्स ब्लिंकिंग होते हुए पावर चला जाता है। ये दोनों यही सोचने लगते हैं, अरे हम लोग आते ही पावर चली गई, ब्रोकर ने कहा था कि कभी पावर जाएगी नहीं। इस तरह से ये दोनों कैंडल्स जलाकर वसंत उस ब्रोकर को कि यहाँ पर पावर चली गई, और उसी तरह से बाहर वो सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद नहीं। ब्रोकर कहने लगता है, अरे सर, वो कहीं पर गया होगा, आप ही जनरेटर रूम में जाकर ऑन कर लीजिए। इस तरह से जब वसंत जनरेटर रूम में जाने लगता है तो अरण्या भी इसके साथ आने की जिद करने लगती है। ये दोनों जनरेटर रूम पर जाने लगते हैं तो यहाँ का माहौल बहुत ही सुनसान होता है। इस एरिया में इन दोनों के अलावा कोई भी मौजूद नहीं होता। इसी दरमियान में अरण्या आसमान पर चांद को देखकर बहुत खुश होने लगती है। आज ये चांद नॉर्मल डे से भी बहुत ही बड़ा होता है, और वो भी ब्राइट। बाद में ये दोनों जनरेटर रूम में जाकर जनरेटर ऑन करने पर यहाँ की लाइट वापस आ जाती है, और उसी जगह पर ये दोनों थोड़ा बहुत रोमांस करने की कोशिश करने लगते हैं। तभी अरण्या को ऐसा महसूस होने लगता है कि इस रूम में कोई है, कोई इन दोनों को देख रहा है। वसंत कहने लगता है कि अरे अरण्या, यहाँ पर हम दोनों के अलावा कोई नहीं, तुम्हारा वहम होगा बस। वापस ये दोनों अपने घर में आ जाते हैं। तभी अरण्या खिड़की से बाहर झांकने पर ये देखती है कि अपोजिट घर की लाइट जल रही है। वसंत से कहने लगती है कि ब्रोकर ने कहा था कि हमने पहले इस एरिया में घर लिया, लेकिन ऑलरेडी अपोजिट घर में लाइट जल रही है। वसंत उस ब्रोकर को कॉल करके पूछने लगता है कि अपोजिट घर में लाइट जल रही है, क्या उस घर में कोई है। ब्रोकर कहने लगता है, अरे नहीं सर, उस एरिया में आप ही पहले कपल हो जिन्होंने घर लिया, कुछ लाइटिंग की प्रॉब्लम होगी बस। दोबारा जब ये दोनों बाहर झांकने लगते हैं तो उस घर की लाइट ऑफ होती है। तो इसी चीज को चेक करने के लिए वसंत धीरे धीरे उस घर की ओर जाने लगता है, लेकिन घर में कोई भी नहीं होता। वापस अपने घर में आकर यही सोचने लगता है, क्या सच में इस एरिया में कोई है। इसी दरमियान में वसंत को उस बंदे पर शक होता है जिसके साथ इसका झगड़ा हुआ। अरण्या दोबारा जब खिड़की से बाहर झांकने लगती है तो दोबारा वही घर की लाइट जल रही होती है। वसंत को बताने पर वसंत दोबारा उस घर की तरफ जाने लगता है। इस बार अरण्या भी वसंत के साथ जाने लगती है। घर के पास आते ही दोबारा घर की लाइट ऑफ हो जाती है। वसंत धीरे धीरे करते हुए घर के अंदर झांकने पर वसंत के घर में जो पेंटिंग होती है ना, वही पेंटिंग उस घर में भी मौजूद होती है। और एक और शॉकिंग बात यह है कि उस घर में वसंत और अरण्या जैसे एक और कपल होते हैं। ये देखकर ये दोनों शॉक में रहकर फटाफट से अपने घर की तरफ भागने लगते हैं। अरण्या बहुत डरने लगती है कि जरूर यहाँ पर कुछ हो रहा है, किसी का काला साया है। वसंत समझाने लगता है, अरे अरण्या, ऐसा कुछ नहीं है, कोई हमारे साथ प्रैंक कर रहा है। ये देखो, मुझे उस घर के पास मिला। इस तरह से एक सिगार अरण्या को दिखाने लगता है, जिसका मतलब हमारे अलावा यहाँ पर कोई और है। अरण्या शॉक में रहकर पूछने लगती है, क्या ये सिगार तुमको उस घर के बाहर मिला? अरे मैं तो इस सिगार की पैकेट तुम्हें गिफ्ट देना चाहती थी। इस तरह से उस सिगार का बक्सा दिखाने लगती है। वसंत इसी के बारे में सोचते हुए जब सोफे पर बैठता है तो इसका हाथ लगकर वाइन ग्लास घूमने लगती है। एक्चुअली यही चीज वसंत उसी घर में देखा था, जो ऐसी ही एक गिलास घूम रही थी। फटाफट से वसंत खिड़की से बाहर झांकने पर बाहर एक छोटा पौधा होता है, वो गिरा होता है। तब जाके वसंत को ऐसा लगता है कि जरूर यहाँ पर कोई गड़बड़ है, कुछ काला साया है। ये दोनों फटाफट से अपने गाड़ी में बैठकर यहाँ से बाहर जाने लगते हैं, लेकिन शॉकिंगली ये दोनों यहाँ से बाहर निकल ही नहीं पाते। घुमा फिराकर
उसी जगह पर आते रहते हैं। ये दोनों दोबारा अपने घर वापस आकर वसंत सुरेश को कॉल करके कहने लगता है कि जब से तुम यहाँ पर आकर गए हो, यहाँ पर अजीब अजीब की घटनाएं हो रही है। हमें लगता है कि हम यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हैं। सुरेश कहने लगता है कि क्या बात कर रहे हो, मैं कब तुम्हारे पास आया था? पहले से ये दोनों डरे होते हैं। सुरेश की बात सुनने के बाद इनके अंदर और घबराहट होने लगती है। हमारे पास सुरेश आया नहीं था तो कौन आया था? उसी वक्त एक कैंडल की वजह से इनके विंडो का कर्टेन जलने लगता है। फटाफट से ये दोनों उस आग को बुझाने लगते हैं। अरण्या कहने लगती है कि जब लाइट आई थी हम दोनों ने सारे कैंडल्स को बुझा दिया, लेकिन सारे कैंडल्स दोबारा कैसे जलने लगे? सच में वसंत यहाँ पर किसी की बुरी आत्मा है। वसंत कहने लगता है, नहीं अरण्या, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम दोनों का हैलुसिनेशन हुआ होगा। अरण्या कहने लगती है कि हैलुसिनेशन सिर्फ एक बंदे को हो सकता है, लेकिन हम दोनों सफर कर रहे हैं। वसंत, क्या तुम्हें समझ है? कोई अपोजिट घर में जो हम दोनों की तरह दिखते हैं, क्या वो भी हैलुसिनेशन है? उसी वक्त ये दोनों ये देखते हैं कि अपोजिट घर में जो विंडो का कर्टेन है वो जल रहा होता है। शॉक में रह जाते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। थोड़ी देर पहले हमारे घर का कर्टेन जल रहा था, अब उस घर का कर्टेन। वसंत उन लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए एक छोटा सा नोट लिखकर उस घर के दरवाजे के पास अंदर डाल देता है। वापस जब ये दोनों अपने घर पर आते हैं तो वही नोट इनके घर में भी पड़ा होता है। उसी वक्त दूसरा वसंत इस वसंत के पास आकर इसको मारने की कोशिश करने लगता है, और वो दूसरा वसंत पहले से ही थोड़ा जख्मी होता है। जबरदस्त हाथापाई होने लगती है। इसी दरमियान में अरण्या दूसरे वसंत को बैट से मारने पर वो वसंत वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वसंत वही बैट लेकर अपोजिट घर में जाने लगता है तो ये देखता है कि उस घर में अरण्या जैसी एक और लड़की बेहोश पड़ी है। दूसरा वसंत इसको जगाने की कोशिश करते रहता है। जब वॉच की तरफ देखता है तो उस वॉच में 2:30 बजे होते हैं। वसंत फटाफट से अपने घर पर आकर अपने घर की घड़ी देखने पर इसके वॉच में सिर्फ 1 बजे होते हैं। अरण्या से कहने लगता है कि जब हम दोनों यहाँ से बाहर जाने वाले थे उस वक्त 2 बजने वाले थे, लेकिन अब ये कैसे बज रहा है? जिसका मतलब हम टाइम में पीछे आ गए। उसी वक्त इन दोनों को एक गाड़ी जाने की आवाज़ सुनाई देती है। फटाफट से बाहर झांकने पर इन दोनों की गाड़ी ही इनके घर के सामने से गुजर रही होती है। उसी गली में एक छोटा सा अंधेरा पार्ट होता है। जब गाड़ी वहाँ पर जाती है तो उसकी जात का नमानो गायब हो जाती है। वसंत और अरण्या ये देखकर इन दोनों के तो होश ही उड़ जाते हैं। वसंत कहने लगता है कि जब हम दोनों हमारे घर से बाहर गए थे उसी डार्कनेस को पार किया था, तभी से ये सारी घटनाएं हो रही है। सारे एरिया में लाइट्स है सिर्फ उस जगह को छोड़कर। जब भी हम उस ब्लैक शैडो को क्रॉस करके वापस हमारे घर पर आते हैं तो हमारे घर में कोई ना कोई बदलाव देख रहे हैं। और सच बताऊं अरण्या, अब फिलहाल हम दोनों जिस घर में हैं वो पता नहीं किसका घर है। मतलब हमारे घर का जैसा ही दिखता है लेकिन हमारा नहीं। हर एक घर में अलग अलग टाइम नजर आया हमको। हम जैसा कर रहे हैं दूसरे वसंत और अरण्या भी वही काम कर रहे हैं, जिसका मतलब हम दोनों एक टाइम लूप में है। पता नहीं हम दोनों ने उस ब्लैकनेस को कितनी बार पार किया। हर बार दूसरे टाइमलाइन में आ जाते हैं हम। मैंने देखा था कि 2:30 बजे दूसरे वसंत और अरण्या के बीच झगड़ा हो रहा था, जिसका मतलब हम दोनों के साथ भी ऐसा ही होगा। लेकिन अरण्या, हमें इस चीज को रोकना होगा, हम दोनों झगड़ा नहीं करेंगे। दोबारा वसंत और अरण्या उस घर पर जाने लगते हैं तो उस वक्त दूसरा वसंत बालकनी में आकर अपने मैनेजर से बात करते रहता है। और उस वक्त वसंत को क्या लगा था कि पेड़ के पास कोई है, वो पेड़ हिला तो वो और कोई नहीं खुद वसंत और अरण्या होते हैं। यहाँ पर एक और शॉकिंग बात पता चलती है कि एक्चुअली उस वक्त वसंत अपने मैनेजर से नहीं बल्कि अरण्या की फ्रेंड प्रभा से बात कर रहा होता है। उस गिफ्ट को प्रभा ने ही वसंत को भेजा। सो उस वसंत की बातें सुनने के बाद अरण्या वसंत से गुस्सा करने लगती है कि क्यों तुमने मुझसे झूठ कहा। वसंत कहने लगता है कि अरे अरण्या, मैं तुमको एक्सप्लेनेशन देता हूँ, सुनो तो सही। मेरा और प्रभा का कोई चक्कर नहीं है, वो मुझे पार्टी में सर्विस करने की कोशिश कर रही थी लेकिन मैंने उसको डांट डपट कर बाहर कर दिया। मेरे पीछे पड़ी है वो, प्लीज ऐसी हालत में तुम मुझसे नाराज मत हो। लेकिन अरण्या गुस्से में आकर वहाँ से जाने लगती है। जब वो ब्लैक शैडो को क्रॉस करती है तो गायब हो जाती है। वसंत भी फटाफट से अरण्या के पीछे पीछे जाने लगता है, लेकिन उस ब्लैक शैडो के उस पार अरण्या नजर नहीं आती। काफी सारी बार इस ब्लैक चीज को क्रॉस करने लगता है अपनी अरण्या को ढूंढने के लिए, लेकिन हर बार वो दूसरे टाइमलाइन में जाते रहता है। एक और बात, जब वसंत और अरण्या जनरेटर रूम में थे उस जगह पर वहीं पर वसंत मौजूद था। खैर बहुत टाइम गुजरने के बाद एक इंस्पेक्टर वसंत के पास आता है। कहने लगता है कि हमें अरण्या नाम की एक लड़की से इमरजेंसी कॉल आया। वसंत कहने लगता है कि सर वो मेरी बीवी है लेकिन अब वो मिसिंग हो चुकी है। इंस्पेक्टर वसंत के चेहरे पर जो जख्म होते हैं ना उसको देखकर इसी पर शक करने लगता है।
कि अरण्या की साइड से इमरजेंसी कॉल आया। अब अरण्या मिसिंग है, जिसका मतलब इसी वसंत बंदे ने अपनी बीवी का कुछ किया होगा। वसंत कहने लगता है कि सर यहाँ पर बहुत ही अजीब की घटनाएं हो रही है, आप नहीं मानोगे। लेकिन इसके बावजूद भी वो इंस्पेक्टर वसंत को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाता है पूछताछ करने के लिए। यही सीन मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। वसंत समझ जाता है कि इंस्पेक्टर इसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा, तो मुझे खुद मेरी अरण्या को बचाना होगा। इस तरह से उन सारे पुलिस वालों से फाइट करके जख्मी करके वहाँ से भाग निकलता है। जब वसंत अपने घर पर आ रहा होता है तो दोबारा वो उस स्टैचू को देखते रहता है। उसी अपोजिट साइड से एक गाड़ी गुजरने लगती है, मतलब ये गाड़ी वसंत के एरिया से दूसरी तरफ जा रही होती है। वसंत सोचने लगता है कि ये गाड़ी उस तरफ क्यों गई। इस तरह से उस गाड़ी को फॉलो करके घर के पास पहुंच जाता है। वो घर और किसी का नहीं, मनु का होता है। 1964 मनु था ना वो बंदा। मनु वसंत से कहने लगता है कि 1964 में मैं भी तुम्हारी तरह बहुत ही कंफ्यूज हो गया। मेरे फ्रेंड्स गणेश और ललिता उसी जगह पर मर गए थे। शॉकिंगली उन दोनों को मारने वाला मेरे जैसा ही एक बंदा था। आज मैंने ये बात नोटिस की कि उतने सालों के बाद चांद बहुत ही बड़ा और ब्राइट है। तुम्हारे साथ जो घटना हो रही है उसकी वजह वही है। एक्चुअली 1961 के पहले उस जगह पर ब्रिटिशर्स का लैब हुआ करता था। काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे वहाँ पर। अब जो तुम्हारे साथ हो रहा है मेरे साथ पहले ही हो चुका है। मेरी रिसर्च में ये बात पता चली, ये सब कुछ क्वांटम फिजिक्स की वजह से हुआ। हम लोग यही समझते हैं कि हमारी दुनिया ही अकेली एक लौती है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से हमारे जैसी दुनिया कई सारे हैं। उसी को पैरेलल यूनिवर्स कहते हैं। एक साइंटिस्ट इसी के बारे में थियोरी एक्सप्लेन करते हुए मल्टीवर्स के बारे में एक किताब भी लिखी। वसंत कहने लगता है कि ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन उस जगह पर कैसे पॉसिबल हुआ। मनु कहने लगता है कि आप दोनों ने एक डार्कनेस को क्रॉस किया ना, वो कई मामूली डार्कनेस नहीं है, वो एक पोर्टल है। मल्टीवर्स जाने का पोर्टल, दूसरे टाइमलाइन पर जाने का पोर्टल। 1964 में वही सुपर मून आया था और इतने सालों के बाद वही सुपर मून आज मुझे नजर आया। उसी की वजह से वो गेट ओपन हुआ, मतलब पोर्टल ओपन हुआ। अब सिर्फ 45 मिनट तक ही वो सुपर मून होगा, उसके बाद वो पोर्टल क्लोज हो जाएगा। उसके अंदर तुम्हें अपनी बीवी को ढूंढना पड़ेगा, वरना तुम्हारी बीवी किसी दूसरे टाइमलाइन में फंस के रह जाएगी। अगर तुम अपनी बीवी को फाइंड आउट नहीं कर पाए तो एक टाइमलाइन में, मतलब एक यूनिवर्स में सिर्फ एक ही बंदा होना चाहिए। तुम दूसरे वसंत को मार दो। सो उसके बाद वसंत दोबारा अपने उस एरिया में जाकर एक टाइमलाइन के अंदर दूसरे वसंत को मारने की कोशिश करने लगता है। यही सीन थोड़ी देर पहले दिखाया गया था। अब अरण्या वसंत पर हमला करने की वजह से वो वहाँ से भाग जाता है। जब वसंत दूसरे टाइमलाइन में आता है तो इसको ये बात पता चलती है कि अरण्या फिलहाल प्रेग्नेंट है। यही खुशखबरी दूसरे वसंत को सुना रही होती है। ये देखकर वसंत और इमोशनल होने लगता है, जिसका मतलब अरण्या मुझे ये खुशखबरी सुनाना चाहती है। इस तरह से जब कोशिश कर रहा होता है तो वो इंस्पेक्टर दोबारा वसंत के पास आता है। इंस्पेक्टर वही सारे सवाल वसंत से पूछने लगता है। उसी वक्त अरण्या सुरेश के साथ यहाँ पर आती है। अरण्या को देखकर वसंत फटाक से उसे हक करने लगता है। अरण्या मिल जाने की वजह से वो इंस्पेक्टर वहाँ से जाने लगता है। जाते जाते वसंत से पूछने लगता है, क्या मैं यहाँ पर पहले भी आया था। वसंत कहने लगता है कि मे भी हो सकता है सर। बाद में वसंत और अरण्या वहाँ से जाने लगते है। इसी बातों ही बातों में ये बात पता चलती है कि एक्चुअली जब ये दोनों जनरेटर ऑन करने के लिए बाहर गए थे, उस वक्त अरण्या इसके साथ नहीं आई थी, वो वसंत को ढूंढ रही थी। इसको वसंत नजर ना आने पर पुलिस को कॉल किया था। बाद में ये दोनों किसी पेट्रोल पंप के पास आकर वसंत वॉशरूम में जाता है तो उसी वॉशरूम में दूसरा वसंत होता है। अब पता नहीं इन दोनों वसंत में से कौन भरोसे वाला वसंत मरा होगा। बचा हुआ वसंत अरण्या के पास आता है। मुस्कुराते हुए ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अब मूवी के एंडिंग के बारे में बात करें तो लेट मी एक्सप्लेन। 1960 के दरमियान में साइंटिस्टों ने कुछ कांडवान कर दिया, जिसकी वजह से वहां पर एक पोर्टल जैसा क्रिएट हुआ। 1964 में जब सुपर मून एक्टिवेट होता है तो ऑटोमेटिकली मल्टीवर्स का पोर्टल भी एक्टिवेट होता है। उस वक्त मनु गणेश और ललिता को मारने वाला था, तो जाने अनजाने में मनु ने उस पोर्टल को क्रॉस किया, जिसकी वजह से एक और टाइमलाइन क्रिएट हुआ। उस टाइमलाइन में का मनु गणेश और ललिता को मार देता है। अब इस कॉन्सेप्ट के बारे में मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, काफी सारी मूवीज में देख चुके हैं, मैं भी कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब अरण्या के बारे में बात करें तो एक्चुअली अरण्या को कुछ भी याद नहीं होता, मतलब अरण्या के साथ वो सारी घटनाएं पेश हुई ही नहीं होती। मुझे लगता है कि ये दूसरा टाइमलाइन होगा और जो रियलिटी वाला वसंत है ना,
वो इस अरण्य के पास आकर दूसरे वसंत को मारकर उसकी प्लेस ले लिया होगा। समझने में थोड़ा कंफ्यूज होगा, अब डायरेक्टर ने हम लोगों को ऐसा ही दिखाया है। खैर कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछना जरूर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।